हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गरबा मेकअप लुक, जिसको डांडिया मेकअप लुक भी बोलते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरह से गरबा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने स्मोकी आई मेकअप किया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लिया था। आप चाहे तो क्लिंजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ अल्फ गुडनेस का टोनर, ये कुकुम्बर टोनर है और ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। हम सेकेंड में लगा रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइजर। टोनर के बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये बेस प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। आप लोग देखिएगा लास्ट में कितना ही अच्छा बेस बनता है इससे। इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर पैलेट, ये पर्पल का मैंने कंसीलर पैलेट लिया हुआ है। इसमें से मैंने डार्क शेड लिया है, अपने डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट इस तरह से लगा लूँगी और इसको मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी। हमें हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है इस तरह से। मैंने गीला ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है। इसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन फिट मी का फाउंडेशन। मैंने एक डार्क और लाइट शेड लेकर इस तरह से मिक्स करके लगाया हुआ है अपनी स्किन के शेड का बनाकर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको डैप डैप करके लगा लिया है और हमें गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही हमें इसको ब्लेंड करना होगा इस तरह से। इसके बाद मैं अपने नेक पे भी फाउंडेशन लगा रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हमें फेस के अलावा अपने नेक को भी अच्छे से फाउंडेशन लगा कर कवर करना होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने अंडर आईज एरिया पे इस तरह से हाईलाइट करने के लिए मैं लगा रही हूँ कंसीलर। मैंने हिलेरी रोडा का कंसीलर लिया हुआ है और इसको भी मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ब्यूटी ब्लेंडर का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ इसके बाद मैं लगा रही हूँ कलर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक। इसको मैंने ब्लश की जगह पर यूज़ किया हुआ है, इससे जो हमारा चीक है ना एकदम नेचुरल दिखता है। और यहाँ पर मैं लैक्मी का लूज पाउडर लेकर इस तरह से अपने पूरे फेस को इस तरह से लॉक करूँगी, क्योंकि अगर हम कोई क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको पाउडर से लॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे जो हमारा मेकअप होता है बहुत ज़्यादा देर तक टिकता है। इसके बाद मैं एक स्पूली की मदद से अपनी आईब्रो को कॉम करूँगी। इसके बाद मैं ब्लैक और ब्राउन शेड को लेकर इस तरह से आई शेडो पैलेट में से इसको मैं फिल कर लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हिलेरी अरोड़ा का कंसीलर, जो मैंने अंडर आईज एरिया में यूज़ करने के लिए लिया हुआ था। इसको मैं पूरे आईलिड पर इस तरह से लगा दूँगी, जिससे जो हमारा आई मेकअप होगा ना वो बहुत ही अच्छा दिखेगा और हमारे जो डार्क सर्कल होंगे वो छिप जाएंगे। और इसको मैंने लूज पाउडर इसी तरह से सेट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जेल लाइनर, क्योंकि मैं स्मोकी आई मेकअप कर रही हूँ तो मैं इस तरह से इसको अपने हाफ आईलिड पे लगा लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, नहीं तो हमारा जो आई मेकअप है बहुत ज़्यादा ही फैला और मैसी सा लगेगा। तो इसको हमें हाफ में लगाना है और एक फ्लफी ब्रश से मैं इसको इस तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ, जिससे जो हार्श लाइन है वो ना दिखे। इसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया हुआ है और मैंने उसी के ऊपर इस तरह से इसको लगा दिया है, जिससे हमारा जो आई मेकअप है वो ज़्यादा डार्क हो जाए। और इसके अंडर आइज़ के नीचे मैंने लूज पाउडर लगाया है, जो भी फॉल आउट होगा वो बेस ख़राब नहीं होगा उससे। और यहाँ पर मैंने एक शिमरी कलर लिया हुआ है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है और इसको मैंने अपने हाफ आईलिड पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ प्रेस ग्लिटर, इसमें ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। इसके ऊपर जो भी ग्लिटर लगा हुआ था उसको मैंने एक फ्लफी ब्रश से क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया हुआ है रोमांटिक ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट और उसमें से मैं हल्का हल्का सा ब्रोंजर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया हुआ है NYB का लाइनर और इसको मैं लगा लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ मिस रोज का ब्लशर पैलेट और इसमें से मैंने पिंक शेड लिया हुआ है और इसको इस तरह से अपने चीक पे स्माइल करते हुए लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हुडा ब्यूटी का मैंने ग्लू यूज़ किया हुआ है और 3D आई लैसेज है। तो सबसे पहले मैंने अपने आई लैसेज को कर्ल किया है और मस्कारा की कोटिंग की है मैंने एक दो बार। इसके बाद मैं लगा रही हूँ शुगर का काजल, ये बहुत ही अच्छा काजल होता है, मेरा फेवरेट है। और इसके बाद मैं लगा लूँगी आई लैशेज। ग्लू लगाने के बाद हमें 10 से 15 सेकंड हमको उसको होल्ड करना पड़ता है, इसके बाद हम लगाएंगे, हमको तुरंत नहीं लगाना होता है। और यहाँ पर मैं नीचे लोबर लैस लाइन की
पिंक और ब्राउन शेड लेकर मैंने लोअर लैश लाइन के नीचे ब्लेंड किया हुआ है और मैं अपने इनर कॉर्नर में इस तरह से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ शिवश ब्यूटी का लिप क्रियोन, इसको मैंने लिप लाइनर की तरह लगाया हुआ है, ये इसका शेड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टेट वर्की की लिपस्टिक, ये न्यू शेड है और इसका शेड नंबर मुझे याद नहीं है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये लिपस्टिक। इसके बाद मैं लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, मैंने स्विच बिटी का मेकअप फिक्सर लिया हुआ है, इसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर, मैंने सिवाना का हाईलाइटर लिया हुआ है। मैं चीक पे क्यू टिप से फोर हेड पे ब्राबोन पे इस तरह से मैं लगा लूँगी। और इसको लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो आया था जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि मेरा मेकअप डन हो गया है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना हेयर कर्ल किया हुआ है। इसके बाद मैं आउटर कॉर्नर में इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ और चिन पे भी मैंने क्रॉस बनाया हुआ है जैसे गरबा मेकअप में होता है। ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लुक? एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।